अस्सलाम वालेकुम जी। आज थोड़ा सा कराची शहर में ऐसा सफ़र करते वक्त देख लेंगे किस तरह से है कराची। चलें आज देखें कराची। मैं फ़िलहाल अभी बस में बैठ के सदर की तरफ जा रहा हूँ, जो कि मलीर से सदर जाने के लिए 60 रुपये का किराया है। और ये छोटा सा बस है, मिनी बस बोलते हैं मज़दा। ये तकरीबन चलते चलते पैसेंजरों को उठाते और उतारते चलते चलते सदर इसका आखिरी स्टॉप हो जाएगा। बाकी देख लें कराची इस तरह का शहर है जो आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये कराची का नेशनल हाईवे रोड है और सीधा इसका हैंड जो है ना क्यामाणी तक ख़त्म हो जाता है। कराची सिटी में क्यामाणी तक इसकी हैंड हो जाता है। वैसे तो कराची कोई कोई जगह में ट्रैफिक जाम नहीं होता है और कोई कोई जगह में ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है, रश ज़्यादा होता है, जैसा कि अभी इस वक्त इस ये जगह में इतना रश नहीं है। जी दोस्तों, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो इस वक्त सारी दुनिया की लोग जानते हैं। पाकिस्तान में कराची सबसे बड़ा शहर है। अस्सलाम वालेकुम, ये है कराची भाई, नर्सरी का इलाका है और यहाँ पर रश ट्रैफिक देखें आप लोग ज़रा। ये कराची का सबसे बेस्ट जगह है, यहाँ पर हमेशा रश होता है, ट्रैफिक जाम होता है इस तरह। जी ये देखें, ये कराची का सबसे बेस्ट जगह है जिसे कहते हैं नर्सरी। ये देखें जी, ये है कराची का लाल कोटी और यहाँ पर ट्रैफिक का सिचुएशन पहले देख लो आप लोग। और ये है लाल कोटी, ये कराची में सबसे ज़्यादा मसरूफ इलाका है जो हमेशा ये रोड खाली नहीं होता है। ये जो दिख रहा है ये रोड हमेशा खाली नहीं होता है। और मैं ये पुल के ऊपर से जा रहा हूँ जो लोगों का रोड पार करने का जगह है, और दूसरी तरफ मैं उतर के यहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा कारोबार ये बैंकिंग और वगैरह वगैरह इस तरह ज़्यादा जो है ना इस तरह के कारोबार होते हैं, जो पेंसी वाले जो होते हैं, पेंसी माली हालत। अभी और आगे जाओगे तो फिर सदर क्लिप्टन ऐसे इलाका आ जाता। तारीखी जगह है जो कराची में लोग आते हैं देखने के लिए।
सदर में ये